are going to Mana, and this is the last village of India of this region. So काफी लोग जाते हैं यहाँ पे. माना जाना आजकल अलाउ तो नहीं है, इसलिए हम दूसरे रास्ते जा रहे हैं. यहाँ पे आईटीबीपी का कैंप है, यहाँ से होते हुए जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, फिर वसुधारा पहुँचेंगे. जा रहे हैं माना की तरफ, माना सॉरी वसुधारा की तरफ. बहुत ही ठंडी हवा चलती है, बढ़िया सी. ये भीम गुफा किडनैप ना हो गए भाई, हो जाओ चला कैलाश मानसरोवर का पानी निकलता है. हाँ अच्छा, मान लो यहाँ कैलाश मानसरोवर से ये वाला पानी निकलता है डायरेक्ट वहीं से आता है. जल्दी चलो तो यहाँ पे हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है, इसके बाद कोई दुकानें नहीं है आगे. ये भीम पुल है यहाँ नीचे, और यहाँ भीम के पाँव के निशान है. यहाँ पे ये जो बड़े बड़े से निशान है वो भीम के पाँव के निशान है. देख रहा है जिसके ऊपर पुल बना वो भीम ने उठा के रखा था यहाँ जब उन्हें रास्ता नहीं मिला था ऊपर जाने का. यहाँ पे सरस्वती मंदिर भी है, और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये भीम के पाँव के निशान है. भीम जो पांडव पुत्र भीम था. ये है यहाँ पे सरस्वती नदी, और ये जो जिसके ऊपर पुल बना हुआ है ये भीम ने उठा के रखा था सरस्वती नदी को पार करने के लिए. इस पुल से फिर पांडव आगे बढ़े थे, इसे भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है. स्वर्गारोहणी की तरफ जा रहे थे पांडव सब. और ये ट्रैक हमारा वसुधारा के लिए है. हाँ ट्रैक लग नहीं रहा है, वैसे रास्ता तो प्लेन ही दिख रहा है. देखते हैं, लोग तो बोल रहे 2 घंटे का रास्ता है, पर अब देखते हैं 7 वाले कितना चलते हैं. ये देखो प्यारा प्यारा व्यू, ऊपर बर्फ दिख रही है. ये हिमालय रेंज में ही आता है सारा. ये देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है, बीच में नदी इधर उधर पहाड़. जैसे बचपन में सीनरी बनाते थे ना, ये घर की कमी रह गई यहाँ पे बस. ये वसुधारा देखने लगी यहाँ पे, झरना आ रहा है, गुफा भी दिख रही होगी आपको. और ये प्यारा सा हिमालय बस पहुँच ही गए, थोड़ा ही ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आसान रास्ता है. ये देखो कितना प्यारा झरना है, बहुत ही ऊपर से आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग. ये देखो नज़दीक आ गए अब इसके. ये बस दर आपको सुनाई दे रही होगी, नहीं सुनाई दे रही होगी, लेकिन बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है ऊपर से पानी गिरने की. देखो इतने ऊपर से पानी गिर रहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, और यहाँ तक पानी की हल्की हल्की बूंदें आ रही है. मतलब अगर थोड़ी देर बंदा खड़ा हो जाए यहाँ पर तो भीग जाएगा. देखिए बहुत फोर्स आ रहा है, पानी हवा का फोर्स भी है, और पानी उसी वजह से पानी का फोर्स आ रहा है, बहुत तेज़ फोर्स आ रहा है, इतना कि मतलब चट्टाने सीट दे. पत्थरों के भी हाल बेकार हो रखे हैं यहाँ पे तो पानी की वजह से ही. धूप पड़ रही है और यहाँ पे पानी की बूंदें, आपको पता ही है रेनबो कैसा बनता है, उसी वजह से यहाँ पे रेनबो बन गया. इतनी तेज फूट से पानी इधर तक आ रहा है जैसे लग रहा होगा बारिश आ रही है, और पूरे कपड़े गीले हो गए जबकि हम इतनी दूर खड़े हैं.
ओ भाई चिल्ला मत भाई, बजरा तेरे बक रहा है। ये देखिए पानी का फोर्स बहुत तेज आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ये है वसुधारा। ये वसुधारा यहाँ की जन्नत। ये देखो चारों तरफ आपको पूरी जन्नत दिखाते हैं। ये मजा आ गया, मजा आनंद ले लिया जिंदगी का। ले रहा हूँ फोटो। पथरीला ही पथरीला रास्ता। सामने माना दिखने लगा वहां पहुंचने वाले, हमारी जर्नी खत्म होने वाली है यहाँ पे। सो गाइज, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। तो कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी वीडियो। और वसुधारा फॉल के बारे में कुछ बताता हूँ। वसुधारा फॉल बद्रीनाथ के थोड़ा आगे जाके पड़ता है और ये अलकनंदा रिवर को ज्वाइन करता है नीचे जाके। फिर यहाँ से बद्रीनाथ से वसुधारा है 9 किलोमीटर, जो कि पहले 3 किलोमीटर माना पड़ता है और उसके बाद पैदल जाना पड़ेगा, ट्रैक है। और वसुधारा की ऊँचाई 400 फीट के लगभग है, 122 मीटर। और यहाँ ये वो प्लेस है जहाँ भगवान याग्रीवा ने पहले दिखे थे, सबसे पहले दिखे थे। और यहाँ पे मुनि वेदव्यास ने चारों वेदों को अलग अलग किया था, राज ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। तो यहाँ की मान्यता यही है। सो कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये ब्लॉग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।